देखो, कल हम लोगों ने जो बात की थी वो ये कि इंटरफेरेंस इन लाइट के केस में अगर हमको चीजें डिस्क्राइब करनी है तो उसके लिए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को मैं कल थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा था। उसमें मैंने अपने ये कहा था कि एस जो है वो एक प्राइमरी लाइट सोर्स है, पॉइंट सोर्स, उससे लाइट निकलती है आगे और वो स्फेरिकल वेव फ्रंट की फॉर्म में आगे बढ़ती है इस तरह से। फिर जैसे ही वो एक कार्डबोर्ड में हमने दो होल किए हैं, S1 S2, दो स्लिट हैं, तो जैसे ही यहाँ पहुंचेगी लाइट तो ये दोनों पॉइंट S1 S2 जो होंगे स्लिट्स, बेसिकली ये दो स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट करने के लिए पॉइंट सोर्स बन जाएंगे। तो यहाँ से तुम इस तरह से लाइट स्फेरिकली आगे बढ़ते हुए दिखेगी और फिर ये बड़े होते होते वेव फ्रंट रास्ते में कहीं ना कहीं मीट करने लगेंगे। ऐसे अगर तुम देखोगे ना, देखो ये यहाँ मीट कर रहा है यहाँ, तो बेसिकली इनको हम वेव मीटिंग कह रहे हैं कि वेव मीट करे। तो हमारे पास एक स्क्रीन है सामने, अब हो क्या रहा है कि हम इसको दिखा देंगे इस तरह से कि जैसे यहाँ पे एक वेव है वो इस तरह से जा रही है और वो पॉइंट पी पर मूव, पॉइंट पी तक अप्रोच कर रही, दूसरी यहाँ से आ रही है, ये भी पॉइंट पी को मीट कर रही। अब पॉइंट पी को मीट करते टाइम ये दोनों सेम फेज में भी मीट कर सकती हैं, किसी अपोजिट फेज में भी मीट कर सकती हैं, या फिर कोई ये इंटरमीडिएटरी कंडीशन भी फुलफिल कर सकती हैं जैसे समझ। तो उसके लिए हम फेज डिफरेंस को, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि हम वहां उसको, क्योंकि वो अनसीन है, हमारे सामने जो विजिबिलिटी होती है वो पाथ की होती है, तो पाथ डिफरेंस से ही हम फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं और अपने पास मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन जो है वो इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस में प्रेजेंट होती है। तो देखो, अगर पॉइंट ओ है तो ऑन द स्क्रीन जो S1 से जो वेव पहुंचेगी और S2 से जो वेव पहुंचेगी उनके बीच में पाथ डिफरेंस 0 होगा। तो यहाँ पर जब पाथ डिफरेंस 0 होता है, तो अगर तुम्हें याद हो मैंने तुम्हें दोनों कंडीशन लिखाई थी कि फॉर मैक्सिमा जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा इन जनरल एन लैम्डा होता है, फॉर मिनिमम जो पाथ डिफरेंस होता है वो इनके बीच की कंडीशन होती है लैम्डा बाई टू 3 लैम्डा बाई टू 5 लैम्डा बाई टू इस तरह से। और ये होगी फिर यहाँ 2n-1 लैम्डा बाई टू। क्यों 2n-1 लैम्डा बाई टू है इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि अब इसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत है, ठीक है ना। यस सर। तो अगर तुम पॉइंट ओ पे देखोगे तो दोनों वेव के बीच में 0 पाथ डिफरेंस है, तो वो मैक्सिमा की कंडीशन है। तो पॉइंट ओ पे जो S1 S2 से लाइट निकलेगी वो मैक्सिमा बनाएगी, तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ लाइट होगी। अब प्रेजेंस ऑफ लाइट पर ये बात आएगी कि किस कलर की लाइट होगी। अब अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर रहे हैं तो जो वेवलेंथ तुम यूज कर रहे हो उस वेवलेंथ की यहाँ लाइट दिखेगी, नहीं तो व्हाइट लाइट दिखेगी। अब इसके बाद में जैसे ही हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, मैं दूसरे पेज पे यूज कर लेता, हालांकि डिस्कशन इस बात कल हो चुका है डिटेल। अब देखो, पॉइंट ओ के लिए तो S1 से और S2 से पहुंचने वाली वेव जो है वो इक्वल पाथ ट्रेवल कर रही है, इसलिए वहां पर पाथ डिफरेंस 0 है। पर जैसे हम थोड़ा सा ओ से ऊपर पहुंचे तो एक वेव का पाथ छोटा हो जाएगा, दूसरी का पाथ बड़ा हो जाएगा, तो इनके बीच में पाथ डिफरेंस पहले 0 था, तो अब कुछ होगा। यस सर। तो अगर ये पाथ डिफरेंस, मतलब मैं कंडीशन यूज कर रहा हूँ कि इफ S2P1 -S1P1 इक्वल टू लैम्डा। अब देखो, जब पाथ डिफरेंस 0 होता है तो भी वहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जब लैम्डा होता है तो भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। इसका मतलब यहाँ पे भी अगेन री अपियरेंस ऑफ लाइट होगी दोबारा से। बोलो, बोलते ही नहीं। यस सर। इसके बाद भाई अगर मैं थोड़ा ऊपर जाऊंगा तो तुम देखो जो एक वेव है थोड़ी और छोटी हो रही है उसका पाथ, और दूसरे का पाथ थोड़ा और बड़ा हो रहा है।
तो अब अगर ये नई जगह पे भी वेव पहुंच रही है पी टू पे, तो मैं कहूँ कि अगर एस टू पी माइनस एस एस टू पी टू माइनस एस वन पी टू, अब चूंकि पाथ डिफरेंस बढ़ गया थोड़ा सा तो हम उसको टू लैम्डा ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी फिर क्या होगा, अगेन प्रेजेंस ऑफ लाइट, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैक्सिमम। तो अब देखो जैसा P1 है तुम्हें ऐसा ही पॉइंट यहाँ मिल जाएगा एक बीच, जिसके लिए पाथ डिफरेंस दोबारा से लैम्डा होगा, ऐसा ही पॉइंट तुम्हें P2 नीचे मिल जाएगा। यहाँ पे भी वो सारी कंडीशन जो ऊपर फुलफिल हो रही थी वही कंडीशन सारे नीचे फुलफिल होंगे। तो इस स्क्रीन के ऊपर सर्टेन जगहों पर तुम्हें मैक्सिमा बनते हुए दिखने लगेगा। अच्छा अगर जीरो लैम्डा, टू लैम्डा और थ्री लैम्डा के बीच में पाथ डिफरेंस का ये इंटरमीडिएट सिचुएशन तुम देखो, तो ये वो कंडीशन होती है जहाँ मिनिमा बनता है, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, लाइट एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देती है, तो यहाँ पे बनेगा मिनिमा। अब देखो ध्यान से, हमने इंटेंसिटी जो मिनिमम लिखी थी अगर तुम्हें याद है भाई वो थोड़ी सी, तो वो रूट आई वन माइनस आई टू का स्क्वायर, ठीक है? यस सर। और जो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो तुम्हें याद होगा कि भाई अगर ये वेव हम इक्वल एम्पलीट्यूड की यूज करते हैं तो उनकी इंडिविजुअल की इंटेंसिटी इक्वल होने से रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जीरो होने का मतलब है कि वहां प्रेजेंस ऑफ लाइट होगी नहीं। Yes, एक लाइट वेव दूसरी लाइट वेव को डिस्ट्रॉय कर देगी कम्प्लीटली, तो वहां पे तुम्हें डार्क स्पेस दिखाई देगा, तो यहाँ तुम्हें दिखाई देगा ब्राइट स्पेस। ब्राइट स्पेस मतलब उस वेवलेंथ की लाइट जिसकी वेवलेंथ की तुम यूज कर रहे हो। यहाँ पे फिर तुम्हें एक जगह डार्क स्पेस दिखेगा, फिर यहाँ तुम्हें लाइट दिखेगी, फिर यहाँ तुम्हें डार्क स्पेस दिखाई देगा। तो बेसिकली ऑन द स्क्रीन तुम्हें कुछ इस तरह की चीज, क्योंकि स्क्रीन जो होगी ना, ये स्क्रीन होगी भाई, ये एक तरह से अगर तुम इसे देखो तो ये तो थ्री डायमेंशनल होगी, ऐसे टू डायमेंशनल। तो यहाँ रीजन जो होगा लाइट और नो लाइट का, वो एक तरीके से ऐसा होगा ना कि वहां स्ट्रिप्स दिखेंगी तुम्हें, बोलो। यस सर। इस तरह से, तो इन स्ट्रिप को हम कहते हैं भाई फ्रिंजेस, समझ गए? यस सर। अब पहली जो सबसे पहला मैक्सिमा जिसको हम सेंट्रल मैक्सिमा भी कहते हैं, वो हमें मिलता है एट द मिड पॉइंट ऑफ स्क्रीन ओ पे, जिसके लिए पाथ डिफरेंस जीरो। उसके बाद नंबर आता है भाई फर्स्ट मैक्सिमा का, उसके लिए पाथ डिफरेंस होता है लैम्डा। फिर होता है सेकंड मैक्सिमा का नंबर, उसके लिए पाथ डिफरेंस होता है टू लैम्डा। तो ये जिस नंबर का मैक्सिमा है उसके सामने वही डिजिट लगी है। Yes, sir. तो इसका मतलब हमें ये पता चलेगा कि ये बहुत सारी फ्रिंजेस हैं, तो इनमें से कौन से नंबर की फ्रिंज कहाँ पे बन रही है, उसकी डिस्टेंसेस क्या होगी, अलग अलग होगी। जीरो ऑर्डर वाले सर। जीरो ऑर्डर वाली तो सेंटर पे होगी ना, पर फर्स्ट ऑर्डर की उसके ऊपर होगी थोड़ी, सेकंड ऑर्डर की थोड़ी उसके ऊपर होगी, थर्ड ऑर्डर की थोड़ी उसके ऊपर होगी, पर ये तो नहीं पता ना कि बनेगी कहाँ पे, कितनी दूर बनेगी। यस सर, कितनी ऊपर। हाँ, तो हमने भाई यहाँ पे यही किया है इसमें पहले केस में, कि हमने ये मान लिया कि एट पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस वाई देयर इज आइदर मैक्सिमा और मिनिमा, हमें नहीं पता कोई वहां मैक्सिमा या मिनिमा बन रहा होगा nth ऑर्डर का, तो उसके लिए हम पहले पाथ डिफरेंस निकालेंगे फिर आगे की चीजें करेंगे। तो हमने कह दिया कि पॉइंट पी पे हम इंटरफेरेंस देख रहे हैं पहले, कि जब ये दो वेव एट पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस वाई ऑन द स्क्रीन मीट करती है तो वहां पाथ डिफरेंस कितना कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है? Yes, sir. If light wave from S1 and S2 meet at point P to form either maxima or मिनिमम, पता नहीं क्या बनाएगी, एंड ऑफ एनी अननोन
ऑर्डर, ऑर्डर मतलब उनका नंबर भी कौन से वाला होगा हमें पता नहीं। अब तुम यहाँ पे देखो भाई, जरा अगर तुम थोड़ा सा यहाँ फोकस करो एक बार, तो जो मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ देखना जान। तुम भाई जरा एक बार इस लेंथ को चेक करो, ये लेंथ कितनी है, कैपिटल डी। कैपिटल डी, और ये कितनी है, ये वाई माइनस डी बाय टू। दिख रही है ना ये, क्योंकि ये तो डी बाई टू है यस सर। और ये पूरी वाई है, तो अगर मैं, ये तो डी है ना स्मॉल, इसमें से यस ऊपर की सर। जो आधी है ये डी बाई टू है, तो अगर तुम्हारे से मैं ये पूछूं कि ये ऊपर ऊपर की कितनी है भाई, तो ये वाई माइनस डी बाई टू तो है, यस सर। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, लग तो एस वन पी कितना होगा, एस वन पी का स्क्वायर होगा कैपिटल डी स्क्वायर प्लस वाई माइनस डी बाई टू का स्क्वायर, बता दो यहाँ तक ये बात समझ आ गई। यस सर। इसी तरह से भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल ये है, वाई प्लस डी वाई टू है। इसमें ये डिस्टेंस चूंकि डी बाई टू है, तो इसमें वाई प्लस डी बाई टू इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये देख लीजिए, एग्री हो ना इस बात। यस भाई सर। सर ये बायनोमियल से भी तो हो जाएगा। देखो इतना ज्ञान नहीं यार, इतना ज्ञान तुझे कहाँ से हो गया भाई। हमने और बहने में ली नहीं पड़ी आज, ये बात समझ आ गई ना भाई सबको, यस सर। मतलब मैंने बेसिकली दोनों की वैल्यूज रखे, और यहाँ से मैं क्या कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं एस टू से पी पे पहुंचने वाली वेव और एस वन से पी पे पहुंचने वाली वेव दोनों के बीच में होगा पाथ पाथ का डिफरेंस। डिफरेंस कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली सर डेल्टा एक्स। हाँ वही है, इसको मैं डायरेक्टली लिख दूंगी भाई सॉल्व करके, देखो वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसको टू वाई डी लिख देता हूँ डायरेक्ट, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। नो सर। मतलब अगर तुम इसे इस तरह से याद करने की कोशिश करोगे तो इसमें तुम्हें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से समझ। अब तुम ये देखो यहाँ पर, जब हम ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का अरेंजमेंट करते हैं भाई, तो ये जो ये दोनों स्लिट्स होती है ना एस वन एस टू, हाँ सर। ये तो मिलीमीटर्स का गैप होता है, यस सर। हाँ सर काफी कम होता हाँ, और ये जो ये स्क्रीन है ये हम मीटर्स में यूज करते हैं, जैसे कि आधे मीटर एक मीटर इस तरह से, है। हाँ सर। तो इसको तुम इस तरह से देखो भाई कि जैसे एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, दोनों पास पास है, और भाई अगर हम इसको यहाँ पे देख रहे हैं तो तुम ये चेक करो जरा कि एक वेव ये पहुंच रही है यहाँ से और एक वेव ये पहुंच रही है, तो क्या ये तीनों जो लाइन तुम्हें दिख रही है क्या ये तुम्हें इक्वल लेंथ की नहीं दिखाई दे रही ऑलमोस्ट। यस सर। यस सर ऑलमोस्ट इक्वल। हाँ, तो ये जो लेंथ वहां पर पहुंच रही थी एस टू पी और एस वन पी, ये क्या हम कैपिटल डी एज्यूम नहीं कर सकते इसको, बोलो यस सर। कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को, कोई इसमें। नो सर। तो अब अगर हम इसको भाई कैपिटल डी एज्यूम कर सकते हैं तो ये भी डी होगा ये भी डी होगा, तो इसमें कह देंगे कि एज
d is very very smaller than capital d. iska matlab hai s1p nearly equal to s2p nearly equal to d. इसको हम लिखते हैं एस टू पी माइनस एस वन पी, सेकेंडरी सोर्स एस वन और सेकेंडरी सोर्स एस टू से पी पे पहुंचने वाली जो वेव है उनके बीच में भाई पाथ डिफरेंस है. कितना है दोस्तों बाय डी, यहां तक बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम. सर अब एक बार पीछे दिखा दो. पीछे क्या दिखाऊंगा इधर अरे कोई प्रॉब्लम है किसी को. नो सर. अब ये देखो कि अगर ये पाथ डिफरेंस सपोज करो तुमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बना दिया भाई और ये जो ये पाथ डिफरेंस है ये मान लो यहाँ इस पॉइंट के लिए लैम्डा है. अगर ये वाई डी लैम्डा है तो तुम ये देखो कि लैम्डा जो पाथ डिफरेंस होता है वो कौन से नंबर की फ्रिंज के लिए मैक्सिमा या मिनिमा के लिए होता है. सर फर्स्ट वो पहला मैक्सिमा बनाती है. तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि जो पहले वाला मैक्सिमा है वो कितनी दूर बन रहा होगा. इतनी दूर बन रहा होगा. यस सर. अगर ये मान लो फोर लैम्डा के इक्वल आती है तो चौथी मैक्सिमा कितनी दूर बन रही होगी. इतनी दूर बन रही होगी. नहीं समझ आया. आ गया सर. और अगर ये पाथ डिफरेंस ये वाला फिर से बता दो सर. क्या बताऊं सर बता समझ क्या नहीं आया सर. वो पता नहीं चला आपने क्या करा. दोबारा सुन लो भाई मैं दोबारा मिनिमा के लिए बताता हूँ. अब देखो अगर ये पाथ डिफरेंस सेवन लैम्डा बाई टू है तो सेवन लैम्डा बाई टू में तुम ये चेक करो कि ये कंडीशन मैक्सिमा की है या मिनिमा की है. मिनिमा की है. अब ये देखेंगे कि सेवन सेवन बाई टू लैम्डा कौन सा ऑर्डर का वो है मिनिमम. ये फर्स्ट ऑर्डर का मिनिमम है. ये सेकंड का है. ये थर्ड का है. वो फोर्थ ऑर्डर का है. तो जो फोर्थ डार्क फ्रिंज होगी अगर कोई पूछेगा कि वो कितनी दूर बन रही है ऑन द स्क्रीन तो हम कह देंगे कि भाई उसकी डिस्टेंस ऑन द स्क्रीन सेवन लैम्डा डी बाई टू डी इतनी. ये बात समझ आ गई. यस सर. एग्री हो ना मैं सब लोग. अगर मैं कहूं कि इफ दिस पाथ डिस्टेंस डेल्टा एक्स इक्वल टू वाई डी इक्वल टू एन लैम्डा तो ये कंडीशन किसकी है. मैक्सिमा की. फॉर nth मैक्सिमम तो इसमें से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्डर का मैक्सिमा कितनी दूर बन रहा है या कितनी दूर कौन सा ऑर्डर का मैक्सिमा बनेगा. वो पूछ लेगा कि 20 सेंटीमीटर दूर बताओ भाई कौन सा मैक्सिमा बन रहा है. तो y की वैल्यू क्या रख लूंगा मैं 20. मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे. ये y एक्चुअली मान देते हैं तो उसको भी हमें मीटर में रखनी पड़ेगी. तो 0.2 तो यहाँ हम ये देख लेंगे n कैलकुलेट कर लेंगे तो उससे ये पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे ये वाली ऑर्डर की मैक्सिमम. Yes, sir. And delta x equal to ये क्या है जी. ये for the position of nth minimum. Agree हो ना मैं सब लोग. Yes, sir. कभी कभी ना वो मतलब इसमें जो क्वेश्चंस की वैरायटी है वो काफी अच्छी बनती है. मैं तुम्हारे बताऊँ देखो वो क्या पूछ सकता है तुम्हारे से. मान लो वो ड्यूअल वेवलेंथ
कि लाइट यूज कर, समझ रहे हो? क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। वो क्या कर रहा है कि मान लो वो ड्यूअल वेवलेंथ की लाइट यूज कर रहा है, उसमें दो वेवलेंथ है, एक मान लो 3000 एमएस का, एक मान लो 7000, समझ रहे हो? यस सर। तो दोनों का 3000 का लो या 7000, दोनों का मैक्सिमा यही बनेगा। यस सर। पर ये देखो कि इनमें से मिनिमा जो होगा वो, सॉरी, दूसरे वाला मैक्सिमा किसका पास, जो पहले वाला, ये तो जीरो ऑर्डर का मैक्सिमा, पहला मैक्सिमा किसका नजदीक बनेगा, किसका पास बनेगा? बोलो। ज्यादा वेवलेंथ है उसका पास बनेगा, जिसका ज्यादा वेवलेंथ है उसके लिए तो वाई बड़ा हो जाएगा ना। हाँ सर, जिसका ज्यादा वह दूर बनेगा। बोलो। यस सर। तो इसका मतलब इसका पहला मैक्सिमा तो दूर बनेगा 7000, अगर 3000 के तो पास में बन लेगा। यस सर। तो क्या हम ऐसा नहीं मान सकते कि इसका मैक्सिमा तो इतनी दूर बना 7000 वाले का, ठीक है? यस सर। 3000 वाले का यहाँ पे बन गया, फिर यहाँ डार्क रेंज बन गई, फिर यहाँ पे दूसरा मैक्सिमा, पता चला यहाँ तीसरा बन गया इसका, जहां उसका पहला ही था। इसमें कंप्लीट डार्क तो बनेगा ही नहीं कभी भी, मतलब वो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, तो मैं जनरलाइजेशन में बात कर रहा हूं। वो मैक्सिमम मिनिमम इनके मिक्सअप से हो जाएंगे, तो कंप्लीट डार्क कहीं बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, ऐसे तो कोई सिचुएशन क्लियर नहीं। पहले ये बात बता दो कि ये बात समझ आ रही है ना जो मैं बता रहा हूँ? यस सर। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है कि एक लोकेशन ऐसी हो सकती है कि इसका कोई मैक्सिमा इसके किसी मैक्सिमा को ओवरलैप कर जाए, पता नहीं कौन सा को करेगा। यस सर, पॉसिबिलिटी है, बट मतलब पॉसिबिलिटी है कि इनके कोई ऑर्डर्ड नंबर ना हो, मतलब अनऑर्डर्ड नंबर इनके आपस में सुपर इम्पोज हो जाए। सेम तो नहीं होगा। हाँ, तो वो पता है क्या पूछेगा, वो यही पूछ लेगा तुम्हारे से कि अगर हम ये दो वेवलेंथ यूज कर रहे हैं तो इनके कौन से ऑर्डर के मैक्सिमा आपस में सुपर इम्पोज करेंगे। तो हम क्या कह देंगे भाई उसमें, हम कह देंगे कि इसका nth और इसका nth आपस में सुपर इम्पोज कर रहे हैं, यानी कि उनके लिए y क्या है, इक्वल, सेम y है ना उनके लिए। हाँ सर। उन मैक्सिमा की नंबरिंग अलग अलग है, पता चला जितने रीजन में इसकी दो फ्रिंज बन पाई उतने में इसकी पता चला 10 बन गई। यस सर। ये बात एग्री हो ना इस बात से? यस सर। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि y d by d equal to n lambda y, y d by d equal to n lambda m lambda 2। बोलो भाई, ये बात एग्री करते हैं? यस सर। अब तुम देखो y दोनों के लिए सेम है, d सेम है, ये कैपिटल d सेम है, तो क्या मैं यहाँ पे ये नहीं लिख सकता कि n lambda 1 equal to m lambda 2। ये कंडीशन जब फुलफिल होगी तो इनकी आपस में nth ऑर्डर का मैक्सिमा mth ऑर्डर के दूसरे वेवलेंथ से मैच हो। यस सर। अब n अपॉन m कितना हो गया भाई? क्या ये नहीं हो गया? बोलो। Yes, sir. मतलब ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, अब मैं इस एग्जांपल को थोड़ा सा बदल देता हूँ तो तुम्हें दोनों चीजें समझने में आसान होगी। मान लो भाई ये है 1400 और ये है 2100, ठीक? Yes, sir. तो मैं क्या कहूंगा कि बताओ, ये बात समझ आई है? नहीं समझे? एक बार फिर से बता दो सर। अभी तो मैंने बस सेम वाई करा है भाई दोनों के लिए, उसके लिए मैंने रेशियो निकाल दिया एन और एम का।
मतलब ये दो क्वेश्चन है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, जिसके लिए वेवलेंथ डिफर कर सकती है 1400 और 2100, पहले वाले के लिए 700 और 7000 और 3000। ठीक है सर, तो इसका मीनिंग मैं क्या समझू, तो मुझे जरा इसको एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। यहाँ पता मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि जिसकी वेवलेंथ 1400 है उसकी सेकेंड ब्राइट फ्रिंज वहीं पर बन रही है जहां पर थर्ड ब्राइट ऑफ 2100 वाले। यस सर, ये बात समझ आ गई? यस सर। तो सबसे पहले एक की सेकंड दूसरे की थर्ड से ओवरलैप हो जाएगी, ठीक, पर ये फ्रिंजेस ऊपर बननी बंद थोड़ा ही हो जाएंगी। फिर मैं क्या कह सकता हूँ, फोर्थ और सिक्स्थ भी ओवरलैप करेंगी। यस सर। फिर सिक्स्थ और नाइन्थ भी ओवरलैप करेंगे, इसके केस में कर रहा हूं मैं। बोलो। यस सर। यहाँ पे क्या हो रहा है इस केस में, थर्ड फ्रिंज ऑफ वन इज एट सेम प्लेस वेयर सेवेंथ फ्रिंज ऑफ अदर इज ऑप्टेड, मतलब थर्ड फ्रिंज गेट्स ओवरलैप्ड बाय सेवेंथ फ्रिंज ऑफ अदर, यानी कि थर्ड मैक्सिमा एक का और सेवेंथ मैक्सिमा ओवरलैप करते हैं एक जगह पर। एग्री हो ना इस बात से? बोलो। यस सर। सिक्स और फोर्टीन्थ भी तो एक जगह ही बना। फोर्टीन्थ। बताओ यहाँ कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। नाइन्थ और 21th एक जगह बनेंगे, समझ पा रहे हो ना भाई? तो बहुत सारी ओवरलैप कर सकती हैं, और उसमें लीस्ट जो होगा हमें उसका लीस्ट पॉसिबल रेशो लेना है। उससे हम बाकी बता सकते हैं। उससे हम बाकी बता सकते हैं। वो पूछ लेगा कि पहली बार कौन सी मिनिमम फ्रिंज कौन सी है जो ओवरलैपिंग करेगी, तो जो रेशो लीस्ट मिलता है ना वो वाली ओवरलैप करेंगे। बता दो जल्दी जल्दी। यस सर। अब इसमें एक टर्म है भाई, फ्रिंज विड्थ, इसको हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब थोड़ा सा तुम ध्यान से समझने की कोशिश कर रहे हो। एक्चुअल में जो फ्रिंजेस बनती हैं, जैसे ये सेंट्रल मैक्सिमा, तो यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा कुछ इस तरह से बनेगा कि वो आधा ऊपर होगा और आधा नीचे होगा, ठीक है भाई? रेक्टेंगुलर शेप में नहीं, वो शेप मतलब फ्रिंजेस तो क्योंकि थ्री डायमेंशनल है ना ये, तो वो स्ट्रिप्स ही बनेंगी। उसके बाद फिर ये मैक्सिमा के बाद कौन बनेगा, मिनिमा। तो एक्चुअल में होता क्या है कि ये ऐसा नहीं होता कि एकदम डार्क हो जाए, यहाँ तक मैक्सिमा था, इसके बाद लाइट की इंटेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज होती, जैसे तुमने देखा होगा ना कि जैसे रात होती है जब, तो रात ऐसा नहीं होता कि मतलब सनसेट हो गया तो एकदम रात होगी, नहीं सर, धीरे धीरे मतलब। हाँ, तो यहाँ वही, तो यहाँ से इंटेंसिटी जो है ना वो धीरे 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 होते होते पता चला यहाँ परफेक्ट डार्क मिलता है सेंटर पे, फिर ग्रेजुअली बढ़ते 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 यहाँ से फिर उजाला होना शुरू होता है, फिर ब्राइट फ्रिंज आ जाती है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी फिर हम इसके सेंटर पे देखते हैं, फिर उसके बाद दूसरी डार्क मिलती है। तो इस, तो हम जो फ्रिंज विड्थ की बात करते हैं वो दो कंजेकेटिव डार्क फ्रिंजेस के सेंटर का गैप या दो कंजेकेटिव ब्राइट फ्रिंजेस के सेंटर का गैप, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ, समझ आ गया ना मेरी बात? यस सर। अब yes, कोई sir. कोई सी भी दो सीक्वेंशियल ब्राइट या कोई सी भी दो कंजेकेटिव डार्क फ्रिंज ले लो, तो अब ऐसे कोई नंबर तो सिलेक्ट करना मतलब बेवकूफी होगी, तो मैं ऐसा ले लूंगा, यस सर। बोलो। यस सर। और ये किसके लिए लूंगा मैं,
either maxima or minima, either for bright और डार्क। अब एक के लिए मैं तुम्हें कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, दूसरे के लिए तुम कैलकुलेट करते हो। अब देखो y d by d equal to n lambda होता है इसके लिए, मैक्सिमा के लिए। यस सर। तो अगर मैं यहाँ बीटा कैलकुलेट करूँ तो तुम मुझे इस इक्वेशन का यूज करके बताना मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा है। n lambda d by d minus n minus 1 lambda d by d, मैं ये पहले वाले इक्वेशन यूज कर, बोलो। यस सर। लैम्डा डी बाई डी नहीं है। यस सर, लैम्डा डी बाई डी है। तो ये इंडिपेंडेंट है एन से, इसका क्या मतलब है? सारी फ्रिंजेस सेम साइज की होंगी, सेम विड्थ की होंगी। अब यही एक्सरसाइज अगर तुम करके देखोगे मिनिमा से, तो मैं यहाँ पे क्या रख दूंगा, सिर्फ एन की जगह 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 माइनस 1। मैं ये देख लूंगा कि nth डार्क कितने ऊपर बन रही है और nth n माइनस 1 डार्क कितने ऊपर बन रही है। तो जैसे मान लो nth ब्राइट जो है इस स्क्रीन पे यहाँ बनती है, तो मैं सेंटर से उसके लिए वाई एन निकाल दूंगा। फिर उससे पहले भाई एन माइनस 1 तो यहाँ पे बनेगी ना, ये यहाँ पे। तो इन दोनों वाई एन में से वाई एन माइनस वन को रिफ्लेक्ट कर दूंगा, तो ये एक ब्राइट से दूसरे ब्राइट के सेंटर का गैप आ गया। बोलो, ये बात समझ आ रही है? यस सर। तुम इसे कर डार्क के लिए करके ले गया ना, इसमें वो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ध्यान से सुनो। जैसे वो कहेगा भाई तुम्हारे से कि ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इसमें हमने व्हाइट लाइट यूज कर ली, मतलब व्हाइट लाइट यूज करने का मतलब तो ये है ना कि उसमें बहुत सारी वेवलेंथ प्रेजेंट है। यस सर। और सामने स्क्रीन है, इस पर हमने एक 2 सेंटीमीटर ऊपर एक होल बना दिया, ठीक। ये पूछ लेगा इससे बाहर अगर तुम यहाँ खड़े हो दूसरी तरफ तो कौन कौन से कलर यहाँ तुम्हें प्रेजेंट दिखेंगे, इससे बाहर आते हैं। अगर ये होल ना होता या स्क्रीन पूरी होती तो जो जो वेवलेंथ यहाँ मैक्सिमा बनाती अब वो इससे बाहर जाने लगेगी, जो जो वेवलेंथ यहाँ मिनिमा बनाती इसका मतलब वो तो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देती, तो बाहर भी तो नहीं जाएंगी। बोलो। यस सर। तो कौन कौन सी वेवलेंथ बाहर जाएंगी जो यहाँ पे मैक्सिमा बना रही। ये बता दो भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं है सर। कल इसमें हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, जैसे तुम्हारे पास अगर तुमने देखा हो कॉन्टेक्ट लेंसेज नहीं होते। यस सर। कॉन्टेक्ट लेंसेज की थिकनेस इतनी बारीक होती है, तुम ये देखो कि तुम्हारी आंख में ना अगर छोटा सा कोई तिनका घुस जाए तो उससे भी आंख में ना इतनी प्रॉब्लम हो जाती है बहुत ज्यादा। यस सर। अब तुम ये देखो कि आदमी कॉन्टेक्ट लेंस यूज करके अपना काम करता रहता है, इसका मतलब ऊँख कितने थिन होते होंगे कि आदमी की आंखों को सेंसिटिविटी नहीं। तो उसकी थिकनेस जब मेजर करने की बारी आएगी तो किस इंस्ट्रूमेंट से करेंगे, अभी ये सोचो। बताओ। नहीं समझ पा रहा। पता नहीं सर। हाँ, एक बार दोबारा बता दो। मैं कह रहा हूँ कि जैसे हमारे पास कॉन्टेक्ट लेंस जैसी थिन चीजें होती हैं फिल्म, उनकी थिकनेस हम जैसे सोप बबल नहीं होता। यस सर। सोप बबल की थिकनेस मेजर करनी है, कहाँ से मेजर करें? उसकी फिल्म की। हाँ, फिल्म की। जो कभी कभी तुमने देखा होगा साबुन या शैम्पू वगैरह से हाथ धोते टाइम उंगलियों के बीच में नहीं बन जाते फिल्म। यस सर। यस सर। उसकी थिकनेस मेजर करेंगे, कहाँ से करें? पता नहीं सर। हाँ, इसी से ही करेंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। कल उसे करेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन वगैरह भी आते हैं जेईई में, तो थोड़ा ध्यान से। ठीक है।
ठीक है सर। कल बताओ टेस्ट क्या करोगे, ऑफलाइन दोगे ऑनलाइन? ऑफलाइन दे दो यार, जाना तो ऑनलाइन दे दो, तुम्हें भी नहीं आना पड़ने का, मुझे भी नहीं आना। किस टाइम? जब भी ऑनलाइन तो जिस टाइम तुम कहोगे उस टाइम दे दो। 4 बजे? 4 बजे ठीक है, 4 बजे ले लो। तुम अपने रूम में बैठ के लॉक करके विद इन फिक्स टाइम इंटरवल क्वेश्चन का पेपर सबमिट करना, मतलब जितने भी होते हैं तुम्हारे से उसको चेक कर लेना कि मतलब कितने टाइम में तुमने इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। मतलब थोड़ा खुद को लेके अगर तुम ऑनेस्ट रहोगे तो तुम्हारा ही फायदा है, मतलब फॉर्मेलिटी कोई अब तो तुम बड़े हो या फिर छोटे कोई हो, मतलब